आज से बेसिक मैथ्स की सीरीज में हम परसेंटेज शुरू करने जा रहे हैं। परसेंटेज एक बहुत ही यूजफुल टॉपिक है। हर एग्जाम में आपको इससे 3 से 4 प्रश्न जरूर मिलेंगे। यह बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। चलिए देखते हैं क्या है इस टॉपिक में। परसेंट मीन्स पर 100। परसेंट का मतलब होता है 100 में से। हेयर सेंट स्टैंड्स फॉर 100। सेंट का मतलब ही 100 होता है। सेंट का मतलब ही 100 होता है। परसेंट ऑफ अ नंबर। अगर हमें किसी नंबर का परसेंट निकालना है तो सबसे पहले हम उसे फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100 में चेंज करेंगे। मतलब सबसे पहले जितना भी परसेंट निकालना है उसे हम परसेंट का साइन हटाकर डिनोमिनेटर 100 के साथ लिखेंगे। और फिर जो फ्रैक्शन है उसे उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 70% ऑफ 500 निकालना है तो सबसे पहले हम 70% को 70/100 में चेंज करेंगे और उसके बाद उसे 500 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा? 0 से 0 काटेंगे और हमें मिलेगा 70 × 5 इज इक्वल टू 350। अगर आपको इसको समझने में कुछ परेशानी हो रही है तो आप मेरा फ्रैक्शन वाला वीडियो देखेंगे। कन्वर्जन ऑफ अ डेसिमल इनटू परसेंटेज, मतलब किसी डेसिमल नंबर को परसेंटेज में चेंज करना। अगर किसी डेसिमल नंबर को परसेंट में चेंज करना है तो हम इसे 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर हमें 0.02 को परसेंट में चेंज करना है तो हम इसे 100% से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा उत्तर आएगा 2%। कन्वर्जन ऑफ अ परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन। अगर हमें किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो हम क्या करेंगे? हम उसके परसेंट के साइन को हटाएंगे और उसको 100 से डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 20% को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम परसेंट का साइन हटाएंगे, 20 को 100 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद 0 से 0 काटेंगे, 2 से 10 को काटेंगे तो हमें आएगा 5 और फ्रैक्शन मिलेगा 1/5। इसका मतलब है 20% जो है वो 1/5 के बराबर होता है। अगर हमें किसी भी नंबर का फ्रैक्शन निकालना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम उस फ्रैक्शन को उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 1/5 ऑफ 25 निकालना है तो हम 1/5 × 25 करेंगे और फिर 5 से 25 को कट करेंगे तो हमें मिलेगा 5। इसका मतलब है 1/5 ऑफ 25 इज 5। 25 का 1/5 हिस्सा जो होता है वो होता है 5। अगर हमें फ्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन एंड रिलेटिव परसेंटेज निकालनी है तो हम क्या करेंगे? अगर फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन निकालना है तो हम उन दोनों फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि 1/5 ऑफ 1/2, तो हम ऑफ के जो साइन है उसको हम इनटू में चेंज करेंगे। फिर 1/5 × 1/2 और हमें मिलेगा 1/10। हम इसमें न्यूमेरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर्स को आपस में, क्योंकि कुछ भी कट नहीं हो रहा है। इसी तरह से 16% ऑफ 25% करने के लिए हम 16% को फ्रैक्शन में बदलेंगे और 25% को ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि हम रिलेटिव परसेंटेज निकाल रहे हैं और हमें मिलेगा 16/100 × 25%। फिर जब हम इसे कट करेंगे तो हमें मिलेगा 4%। अब है परसेंटेज ऑफ मोस्ट कॉमनली यूज फ्रैक्शन, मतलब
उन फ्रैक्शंस की परसेंटेज जो कि बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जैसे हाफ मतलब 1/2 इज 50%। ये सब अगर आपको याद रहेगा तो आप सवालों को आसानी से कर पाएंगे। 1/3 इज इक्वल टू 33.33%, 1/4 इज इक्वल टू 25%। अब हमने ये सब कैसे निकाला? हमने फ्रैक्शन को 100% से मल्टीप्लाई किया। 1/5 इज इक्वल टू 20%, 1/6 इज इक्वल टू 16.66%, एंड 1/8 इज इक्वल टू 12.5%। इन्हें अगर आप ऐसे ही याद कर लेंगे तो आपको परीक्षा में आसानी होगी, एग्जाम में आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप इन सब छोटी छोटी चीजों की भी परसेंटेज निकालने लगेंगे तो वहां पर आपको समय की कमी पड़ सकती है। इसी तरह से 1/9 11.11% होता है, और 1/10 10% होता है, 1/11 9.09% होता है, और 1/12 को हम 8.33% लिखते हैं, 1/15 6.66% होता है, 1/16 6.25% होता है, और 1/20 5% होता है। आप इन्हें ऐसे ही याद करके परीक्षा में अपना समय बचा सकते हैं। इसी तरह से 2/3 66.66% होता है, 3/4 75% होता है। ये सब हमने 100% से मल्टीप्लाई करके निकाले हैं। 3/8 जो होता है वो 37.5% होता है, 5/8 62.5% होता है, 7/8 87.5% होता है, और 5/6 83.33% होता है। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए बेसिक मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अपने अगले वीडियो में हम परसेंटेज के सवालों को हल करेंगे। थैंक यू।